हेलो एवरीवन, जय हिंद। क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? क्या हम दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। सर आप दिखाई नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? आप दिखाई जो नहीं रहे होगे सर, आप दिखाई ना दो, राहुल परमार सर ना दिखाई दे तो कैसा काम चल सकता है? हाँ भाई, कितना बताओ बताओ जरा, क्या क्या हाल चाल है? कैसे हो, क्या हाल चाल है? आज मचाना है नहीं मचाना है? मचाना तो है सर, आप आए हो तो मचाएंगे ही लोग। अरे आज हम दोनों साथ में आए। एक्चुअल में आज हम सर की नगरी में हैं, तो हमने सोचा एक दोस्ती के नाम पर आपके प्यार में बेहतरीन मेंटी लाई जाए। ये फर्क देख रहे हो, मैं टी शर्ट में हूँ सर जैकेट में, तो देख रहे हो। सर अंदर आपने पहना है ना सर? हाँ सर ने यही पहना हुआ है। अरे आइए, मुझे लगा सर ने अंदर कुछ पहना ही नहीं होगा। सर अंदर सब कुछ पहना है, तो उसकी बात नहीं करेंगे हम। परिंदा पर परिंदा हार मान रहा है, ओके। सो आप सर पर मार रहा है। अच्छा, सभी लोगों को आवाज क्लियरली आ रही है? हम दोनों आप सभी लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं, अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। तो सर तो सर ये है कि ठंड ज्यादा हो रही है। दिल टूट गया कोई बात नहीं, साथ छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन मेंटी नहीं छूटेगी सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यार आज चलो मेंटी खेलते हैं और मेंटी को ज्वाइन कर लो, है ना सर? सर तो धोती खोल रहा। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं खोल रहा सर, जैकेट खोल के आए, धोती वोती नहीं खोली सर ने। तो भाई menti.com सर रिवाज देव बेटा, सभी लोग www.menti.com सर्च करो और ये यहाँ पर जो कोड दिखाई दे रहा 7173 8204, ये वहाँ पर टाइप करो, आप मेंटी को ज्वाइन कर जाओगे जल्दी जल्दी, जितने ज़्यादा लोग ज्वाइन कर सको, क्योंकि लेट ज्वाइन करोगे तो फास्ट नहीं आ पाओगे, टॉप नहीं कर पाओगे। और अगर जीतना है, सीखना है, मुझे हारना पसंद नहीं और हमें हारना पसंद नहीं। अगर जीतना है, सीखना है, तो जितना जल्दी हो सके सभी लोग ज्वाइन कीजिए www.menti.com पर। साथ ही ये कोड डालना 7173 8204। आजा भाई 71 73 82 04, ठीक है? 71 73 82 04 56 57। आजा भाई जल्दी जल्दी आ जाओ सभी लोग। सर विल इट हेल्प फॉर एनडीए? एकदम। देखो यार ये जो मेंटी है ना सर, ज्योग्राफी से, सर ज्योग्राफी की फील्ड से हैं, तो मैंने करंट अफेयर्स भी कुछ ऐसी कोशिशें करी कि वो ज्योग्राफी की फील्ड से ही हो, कुछ ऐसे ही मैंने प्रयास किए हैं आज के इस मेंटी में। मेंटी का कोड लिखा है यार ऊपर, देख लो यार लिखा है, चमक रहा है अलग से, 71 73 82 04 दिखाई दे रहा है क्या साहिल सर? एकदम चमक रहा है, साहिल सर कह रहे हैं ओपी दिखाई दे रहा है। ओके चलो भाई, तो सर शुरू किया जाए। ओके ओके स्टार्ट करते। और बेटा ये जो क्वेश्चन है ये ना सिर्फ एनडीए के लिए है, बट ये एनडीए और सीडीएस दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल क्वेश्चन है। एनडीए एनडीए वालों के लिए एकदम मजा आ जाएगा, और सीडीएस वालों टेस्ट आप लेके जाओगे आप, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा क्या हम पढ़ने वाले, क्या सब कुछ आने वाला। बहुत बढ़िया सर, 125 लोग ज्वाइन कर चुके, लेट्स स्टार्ट, आरंभ करते हैं। ओके सर, बहुत खेल खेल का जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति मंटीपति। हमारी तरफ मत देखिए, इधर देखिए, मंटीपति बनना, किसी और का पति मत बनना, ठीक है ना? बनना है भी। चलिए ऑलराइट, तो ये तरीका है यार, menti.com पे जाओ, बढ़िया कोड है, बता ही दिया, बहुत देर से बता रहे हैं, ठीक है ना? अब आ दो जल्दी से ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए ज्वाइन कीजिए सभी लोग। सवाल पहले सवाल की तरफ बढ़े, सबसे पहला सवाल। चलिए सर, झंडी दे दी है बच्चे ने, लाल झंडी आ गई है। चलो ओके सर, वी आर रेडी, मोटिवेशन वाला ने कह दिया है। दिखाओ बेटा। ओके ओके, पहला सवाल सर है, सबसे पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 of 20 सवाल होंगे, बढ़िया धुआंधार मेंटी होगी। इतने सारे देखिए रंग बिरंगे लोग आ गए हैं, चुके हैं, जुड़ चुके हैं, हमारे अवतार सारे यहाँ पर हैं। चलो भाई शुरू करें सर, 182 लोग यहाँ पर हैं, हाँ भाई एक एड होते जाएंगे सर। हाँ एकदम एकदम। पहला सवाल, एस जयशंकर हैज अनवील्ड द बस्ट ऑफ महात्मा गांधी एट। जयशंकर साहब आपको पता है हमारे देश के कौन से मंत्री हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली महात्मा गांधी का एक सर बस्ट जो है ना प्रतिमा, वो उसको अनवील किया है। सवाल है कहाँ किया गया, मेडागास्कर में किया है, चिली में किया है, पैराग्वे में? क्या सर आपको क्या लगता है सर? सर मेरे हिसाब से सर ये सर आप सर ज्योग्राफी बता दीजिए, कौन सा कंट्री कहाँ पड़ता है सर? सर ये मैं कंट्री तो सब कुछ पता है सर, कौन सा सर कॉन्टिनेंट में पड़ता है सर? अरे सर ये एक मिनट के लिए उनका टाइम अप हो गया बेटा। करेक्ट आंसर क्या है बेटा, जल्दी बताइए। ओके सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब पैराग्वे के अंदर साउथ गए थे हमारे सर, वहां पर गए थे, ब्राजील का भी दौरा करते थे, वहां उन्होंने ये इस महात्मा गांधी जी का बस जो है इतना जो है ऊपर का इतना टॉप हिस्सा प्रतिमा के रूप में रखा था, उसको जो है उन्होंने अनवील किया है।
ठीक है बेटा याद रखना, ब्राजील का भी था दौरा, साउथ अमेरिका का दौरा था, बस 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 ठीक है भाई। ओके तो देखते अगला सर किसने टॉप किया लैडर। चलिए आइए। ओके तो होगा सर फास्ट, चलिए देखते हैं क्या है। फास्टेस्ट तो उज्जवल सिंह ही है सर। उज्जवल सिंह फास्टेस्ट 988 के साथ, और साथ में मेटल अभी शिवम ऋतिक यादव राजपुताना एल्सा। मेटल और अभी एकदम बराबर पे है 987 पर। हाँ सर ये पहला क्वेश्चन है ना, अगले क्वेश्चन में फास्टेस्ट और करेक्ट जो आंसर देगा वहां चेंज आएगा। ज़लातन ये नाम बढ़िया सही है। क्षितिज कुमार पांडे, आई डोंट नो, फुटबॉल डाल तो रखी है उसने। ओके ओके बेटा, तो आप सभी लोगों को बने रहना है और 208 जो लोग हैं उनको इनको हराना है, बस यही रहेगा। अगला सवाल चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल जो है वो ये आ गया, 2 कहां गए, एक मिनट सर एंटर। चलो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Which one among the following processes is not a part of chemical weathering? इनमें से कौन सी chemical weathering का part नहीं है? ये question इसलिए डाला क्योंकि ये question दोनों में पूछा है। TDS में पहले पूछ लिया गया था, NDA में बाद में पूछा गया, but question दोनों same में था। Hydration, exfoliation या फिर oxidation, क्या है? पढ़ाया तो है कई बार, अब देखते हैं आप इसको किस हद तक सही। Chemical है, chemical लोचा हो रहा है। राहुल सर का बताता हूँ तुमको, अभी सवाल हो जाए तो फिर बताता हूँ। हाँ भाई बताइए सर, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सर बी लगभग सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, क्योंकि एक्सफोलिएशन में क्या होता है, एक्सफोलिएशन में क्या होता बेटा कि जब एक रोक होती है उस रोक के ऊपर जो प्रेशर लगता है वो प्रेशर अगर ऊपर का प्रेशर हट जाए तो सारे पार्टिकल्स निकल के बाहर आ जाते हैं और फिर वेदरिंग होती है। जैसा कि एक प्याज होता है और उसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर खत्म हो जाती तो दूसरी लेयर भी खत्म होगी, फिर तीसरी भी खत्म होगी। तो अगर सबसे पहला बिगड़ा तो ऐसे जैसे उसका प्रेशर खत्म होगा वैसे सारी चीजें टूटती जाएगी। तो एक्सफोलिएशन इज अ काइंड ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग, नॉट अ केमिकल वेदरिंग। तो ऑक्सीडेशन और दूसरा क्या था सर ऑप्शन में? ऑक्सीडेशन था, एक कार्बोनेशन था, सोल्यूशन था, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन था। एक तो ऑक्सीडेशन था, एक हाइड्रेशन था। ये दोनों केमिकल प्रोसेस थी और बाकी खुद ही ऑप्शन डालते हैं, ऑप्शन डाल के भूल जाते हैं कि क्या ऑप्शन था। और अभी ये 15 सेकंड पहले सवाल आ रहा है। बहुत सही बेटा, 179 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है सर। राहुल सर के जो घर वाले है ना, घर वाले राहुल सर थे इसलिए परेशान है, मतलब ये भूल जाते हैं। इनको ये क्या घर वाले ये करते हैं कि घर में घर वाले जो ऑफिस भेजते हैं सर को तो टिफिन देते हैं खाने के लिए, ठीक है, तो उसमें खिचड़ी उचड़ी रख देते हैं। अब राहुल सर घर में बोला जाता है कि भाई तुम याद रखना कि तुमको खाना भी खाना है, ठीक है, तो इनको याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो ये बात ही भूल गई है कब बोली गई है, ठीक है। अरे सर तो राहुल सर जब जाते हैं ना तो पैक हो गया टिफिन खिचड़ी, अब वो याद करते जा रहे हैं खिचड़ी 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 खिचड़ी, तो खाचरी 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 हो गया। तो ये अपने गाँव से जब आ रहे होते हैं इंदौर की तरफ तो वो खाचरी खाचरी, अब वहाँ पर एक किसान है वो चिड़िया उड़ा रहा है कि भाई चिड़िया मेरे खेत पे चुग ना जाए सारा खत्म हो जाएगा, ऊपर से ये बोल रहे होते हैं खाचरी खाचरी खाचरी, तो दिक्कत हो जाती है राहुल सर। सर मतलब कहाँ से कहाँ घुमाया है, खिचड़ी खाचरी चिड़िया खेत, वो हाइड्रेशन था सर मुझे याद आ गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके सर देखते हैं लेडर बोर्ड, लीडर बोर्ड ओके ओके, आप लीडर हो सर, लीडर बोर्ड अभी एंड शिवम बोथ आर फास्टेस्ट। राजपुताना पहले 7th पर थे, अब वो 3rd पर आ चुके हैं। बाकी जो दो नाम थे जिनको पढ़ने में भी दिक्कत हो रही थी वो दो नाम चले गए, ये कौन है, पहलेंद्र कुमार आदित्य बाहर कर दिया, ब्रैन द ब्रोकन गेम ऑफ थ्रोन से आए हैं कुछ तो। ओके सर तो बेटा बहुत यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये मछली वछली बना रखी है मोहन ने, आदित्य ने सर देखिए आदित्य का क्या चेहरा बना हुआ है, बोलो बहुत बढ़िया सही है एकदम सही है। अभी आपको टिके रहना है और बाकी लोगों को अभी को हराना है। जाहिद हुसैन कह रहा है सर, जाहिद कह रहा है पोल कहां पर हो रहा है, पोलिंग नहीं हो रही बेटा, ये menti.com को आपको ज्वाइन करना है यहाँ पर, ये देखो बेटा ये menti.com पे जाओ, गूगल पे क्या होता है ना, अभी अभी तुम डेस्कटॉप या मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होगे ना तो एक उसमें ऐसे गोला गोला बना रहता है, इसमें ऑरेंज और येलो कलर का होता है बटन, उसको दबा देना ठीक है तो एक पेज खुल जाएगा, उसमें लिखना फिर जाके www.menti.com, ठीक है ना, कुछ और मत लिखना, menti.com ही लिखना आगे,
और फिर उसके जब खोलोगे तो वहां पर आएगा menti.com को ज्वाइन करने का ऑप्शन, तो तुमको ये कोड डालना है, ठीक है ना, 7173-8204, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारा पोल आ जाएगा, पोल बोल कर लेना, बात समझ में आ रही है, ठीक है भाई। 238 लोग यहाँ खेल रहे हैं, लगभग लगभग जितने व्यूअर्स हैं सब एक खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया, सभी लोग खेल रहे हैं, हाँ सर सही। देखते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल सर, अगला सवाल सर आप, ओके करंट अफेयर्स का सवाल है अगला भाई, चलो आ जाओ। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश सर्टिफाइड स्टेट, कौन सा यहाँ पर पहला स्वच्छ सुजल सर्टिफाइड प्रदेश बन चुका है, बताइए जरा, फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश सर्टिफाइड स्टेट। हाँ जी, ए पुडुचेरी, बी अंडमान निकोबार, या सी गोवा। हाँ जी बताइए जरा क्या है करेक्ट आंसर, यहाँ पर से जवाब दे रहे हैं 226, 229, 230, 235, 200, बहुत से 2.5 लाख लोग आ गए हैं सर, 2.5 लाख, 2.5 लाख लोग जुड़ गए हमारे साथ, 2.5 लाख लोग आ गए, 2.5 लाख आ गए यहाँ पर, 2.5 लाख लोग जुड़ गए, बहुत बढ़िया, टाइम्स अप हो गया, टाइम्स अप हो गया, लेट्स सी द आंसर। अरे भाई ओ भाई साहब, तुम लोग यार आज अभी चल रहे हो, गजब का तुक्का मार रहे हो सब लोग मिल के, जबकि मैं बता रहा था, देखो सर टीवी कर रहा सर, मुझे ना इनको पता था कि ये लोग ना, ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उनको क्या लगा स्टेट होगा, प्रदेश जो लिखा था, प्रदेश लिखा था, तो इन्होंने क्या मार दिया, गोवा। भाई तुम जहाँ सोचना बंद करते हो वहां मैं सोचना शुरू करता हूँ, मतलब यही यूपीएससी की आदत भी है, ठीक है, तुमको ऐसे घुमाएगा वो, ठीक है, तुमको घुमाएगा ऐसे, तुम जहाँ सोचना बंद करोगे ना, यूपीएससी को पता है कि तुम कहाँ घूम जाओगे। बेटा फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश गोवा को, अंडमान निकोबार को बोला गया है, ठीक है ना, सर्टिफाइड है वो फर्स्ट। अब आप कहोगे सर वो तो एक तरह से वो है आपका यूटी है, ठीक है, वो कहाँ सर स्टेट है, लेकिन फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश अगर पूछा जाए एग्जाम में कभी तो अंडमान निकोबार होगा, और अगर यूनियन टेरिटरी पूछा जाए तो पुडुचेरी होगा, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, मतलब अगर यूटी पूछा जाए तो पुडुचेरी होगा, और अगर राज्य पूछा जाए स्टेट तो अंडमान निकोबार होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था इनके लिए आपके उस सरकारी एग्जाम चैनल पर, पूरा पूरा एक वीडियो बना हुआ है, चलिए देखते हैं सर। इसका मतलब यह है कि समीकरण बदलने वाला है, बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिया है, यानी बहुत सारे अननोन फेसेस आने वाले हैं, ऊपर आने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। लीडर बोर्ड देखिए सर, मैंने बोला था आपसे, देखिए सभी नए नाम आ गए, सभी नए नाम आ गए, सारे के सारे, ये जो नाम आए वाह, ये है दमदार, वंशिका 2933 पॉइंट के साथ, प्रियांशु, रिलिप्सा, ये नाम सर फास्टेस्ट, रिलिप्सा इंडियन, श्रेयसी, शौर्या, गौतम, सुचंद्रा, नूर, शिवा शर्मा, बहुत बढ़िया है, पर सब नए हैं, हाँ एक इंडियन नाम से भी आपको ऊपर जाना है बेटा, शौर्या, श्रेयांसी, आप लोगों को ऊपर जाना, वंशिका आपको वहीं पे बने रहना, जगह एक है, लड़ लो एकदम, जान लगा दो। तो भाई याद रखना, गोवा की बात करेंगे तो गोवा हर जल स्टेट है, ठीक है ना, हर घर जल स्टेट सर गोवा को दिया गया है, फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश स्टेट कैटेगरी में अंडमान निकोबार का है, यूटी कैटेगरी में पुडुचेरी को है, ध्यान रखना, ये तीनों बहुत घुमाए फिराए वाले हैं, एक जैसे लगते हैं, खिचड़ी बना दोगे, ठीक है, पुडुचेरी मार दिया तो भाई समझ लो, फिर ऐसा ना करना आगे, ठीक है सर, बढ़े आगे, बढ़ते सर, एक बार परिंदा हार मार, अरे सर सर आगे आगे करेंगे, किसी से मिलता जुलता नहीं है वो, किसी से मिलता जुलता नहीं है वो खुद को अच्छे से जान रहा है, वो तैयारी कर रहा है एक बड़ी उड़ान की, तो पाने के लिए, और लोग समझ रहे परिंदा हार मान रहा है, यो। बहुत तगड़ा, बहुत बहुत तगड़ा, चलिए सर आगे बढ़े, ओके चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4 सर आइए, आपका है, आपका, द हॉरिजॉन्टल विंड सर्कुलेशन नियर द अर्थ सरफेस इज ड्यू टू, अर्थ सरफेस के ऊपर जो विंड चलती है उसका सर्कुलेशन हॉरिजॉन्टली क्यों होता है, प्रेशर ग्रेडियंट के कारण, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, या फिर कोरियोलिस फोर्स के कारण, 1, 2, 3, 1, 2, 3, क्या इसमें करेक्ट आंसर होगा, आप बताइए, तीनों ऑप्शन को आराम से प्यार से समझते हुए, अभी भी 14 सेकेंड है, अरे आंसर क्या होगा, आंसर जल्दी से, हाँ हाँ आसिम सर सॉन्ग सुनाएंगे ना, अरे आसिम सर अभी अभी गाना सुनाएंगे, नहीं 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 अभी शायरी मैंने सुनाई, आसिम सर सॉन्ग सुनाएंगे, करेक्ट आंसर इज 1, 1, 2, लगभग सभी बच्चों ने दिया है, अब सर ऐसा है, गलत लोग ज्यादा दिया है, 72 मतलब 162 लोगों ने गलत जवाब, कोई बात नहीं, हम इन बातें ऑलरेडी,
हम भी होते तो यही करते। अच्छा ये जो था क्वेश्चन बेटा कि जो विंड चलती है सरफेस के ऊपर उसको तीन चीजें इंपैक्ट करती। पहला तो कोरियोलिस फोर्स, अर्थ जिस हिसाब से रोटेट करती, इक्वेटर के पास कोरियोलिस जीरो होता, पोल के पास ज्यादा तेज लगता है क्योंकि पोल की रोटेशनल स्पीड कम होती, इक्वेटर की ज्यादा होती है। दूसरा पॉइंट फ्रिक्शनल फोर्स, कि जब विंड चलती है एक एरिया से और रास्ते में अगर कोई पेड़ आ गया उसको डायरेक्शन बदलना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ऑफ दैट ट्री। अगर वहां पर कोई पहाड़ आ गई, वेली आ गई, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। ऑप्शन क्या था सर? आपने कोरियोलिस बता दिया, हाँ आप क्या हुआ था सर? सवाल है यार। तीसरा ऑप्शन था ना, वो भी था, वो था प्रेशर ग्रेडियंट, कि अगर किसी एरिया के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा तो वहां से विंड उस एरिया की तरफ जाएगी जहां प्रेशर कम होगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो एयर जाती उसी एयर के मूवमेंट को विंड बोलते हैं और उसी को प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। भाई सर ओके सर, क्यों चलती है हवा, क्यों चलती है पवन? पवन बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, फाउंडेशन वाला पे सर के सॉन्ग के साथ एक शॉर्ट बना हुआ है, आप एक बार जाकर देख ले, पीडब्ल्यू फाउंडेशन के ऊपर बड़ा प्यारा गाना गाया है और आज भी गाएंगे सर, यही गाना गाएंगे। क्यों चलती है पवन? वाह 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 बिकॉज ऑफ दी अर्थ रेवोल्यूशन, वाह। दिस इज दी साइंस इन्वेंशन। ठीक है भाई, बहुत सही सर। चलो सर लीडर बोर्ड देखते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, लीडर बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ओके देखते हैं सर। अरे सर काफी जवाब गलत हुए हैं, इसका मतलब ये घिस गई, ये गए जो भी हैं, अरे हैं बने हुए हैं। वंशिका आपसे ऊपर है सर, 200 पॉइंट की लीड बना ली है उसने, लगभग डेढ़ सौ पॉइंट की। श्रेयांसी 83 ऊपर आ गई सर, है। शौर्य ऊपर आ गया। आदित्य सर, सर आदित्य समझ रहे हैं आप सर? सन सूरज, सूरज उग रहा है वाह, सर उग रहा है, बहुत वो बढ़िया। क्या है सर, पर सूरज सर, सूरज के साथ साथ बर्फ लगी हुई है सर। एक्चुअल में क्या है ना, ये हर तरफ आता तो सनरेज थोड़ा लेट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। शीतल एंड सनी यादव गुंदन भाई, ऐसे ये दो दो क्यों भाई? शीतला से नहीं, ज्वाइंट एक ज्वाइंट अकाउंट से खेल रहे हैं। एक साथ बहुत चाहिए। बढ़िया। राजपूताना फास्ट, वापस आ गया सर। ये दोनों बाहर चले गए थे, वापस लौट के आए क्योंकि इन्होंने करेक्ट आंसर बहुत मुझे जल्दी दिया आपने है। शायरी सुना दी थी, जिंदा हार मान परिंदा रहा हार मान रहा है तो और वो परिंदा नहीं, हार ही हार नहीं नहीं। मानी और लौट कर आए। अगली शायरी आसिम सर सुनाएंगे, बाकी के जो नहीं आ पाए उनके लिए सर प्लीज। अर्ज किया है इरशाद। मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या? मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं बतलाऊं क्या? क्या? बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या? मुझ में कितने राज हैं सर आपके बारे में? मेरे बारे में क्या, आपकी शायरी बच्चों के लिए? मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या? वाह 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 बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या? वाह आजिजी, मिन्नत, खुशामद, इल्तिजा, अरे मैं क्या क्या करूं, मर जाऊं क्या? सर उसको ऊपर लाना है अपने को, बच्चे को। आपने जो सुनाया ना वो मायूस हो जाएगा, उसको तो किसी का सपोर्ट मिल गया, मैं तो चाहता था आप उसको उठाओ। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तरह से चेंजेस आए शायरी को सुनने के बाद बच्चों के दिल में। अगला सवाल आता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बड़े आगे। फ्रॉम द करंट अफेयर साइड मेरा सवाल है, से स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड एट, कहां पर ये कैंपेन को लॉन्च किया गया है? पुडुचेरी, कोझिकोड या वाइजैग, जिसको हम लोग प्यार मोहब्बत से वाइजैग बोल रहे हैं, बट नाम सर इसका विशाखा पट्टनम होता है। ठीक है, तो पुडुचेरी हो गया, कोझिकोड हो गया या फिर वाइजैग। यस प्लीज, करेक्ट आंसर। भाई देखो ये सवाल पता है क्यों डाला है? ये इसलिए डाला है सर क्योंकि ना पिछली बार एनडीए के पेपर में एक सवाल आ गया था पुनीत सागर अभियान करके। ठीक है, उसका सर ऑप्शन भी मेरा मैच कर गया था, वो बताया था हाँ हाँ आपको, हाँ याद तो है ना। इसीलिए मैंने इस बार स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर डाला है। देखिए कितने लोग सही जवाब देते हैं। अरे सर धुआंधार, धुआंधार सर, खतरनाक 196, खतरनाक बहुत वन तगड़ा, नाइनटी बहुत काम तगड़ा, कर गई शायरी, बहुत तगड़ा। अब सर बदलेगा फिर? अरे वाह सर, नहीं अब सर नहीं बदलेगा क्योंकि मुझे लगा ज्यादा लोगों ने सही आंसर ज्यादा दिया, लोगों ने सही आंसर किया तो नहीं लगभग बदलेगा। सेम ही रहेगा। लेट्स सी सर, चलिए देखते हैं सर लीडर क्या बोर्ड क्या देखते आया हैं। है लीडर? वंशिका अभी भी वंशिका बनाते श्रेयासी, चल रही है अपनी सर, ये दोनों नीचे ले आएंगे लग रहा है मुझे। ओ शीतल एंड सनी, शीतल दो लोग एंड खेल रहे सनी, ये हैं दो सनी लोग के खेल रहे साथ। हैं, नीचे से एकदम टॉप पे जा रहे हैं। राजपूताना यहाँ पर विराट है आ अभी, गया विराट आया है, फास्टेस्ट है। अगर ऐसे ही फास्टेस्ट रहोगे ना सही आंसर देने के साथ साथ, अगर जल्दी आंसर दोगे तब टॉप कर पाओगे। शाकिबुल हसन भी आ गया, शाकिबुल हसन, बांग्लादेश का मैच शायद है नहीं अभी, तो ये कोर्ट से ज्वाइन कर सकते हो भाई अभी भी।
बिल्कुल 717-38204 72804 73804 याद कर लो सभी लोग ठीक है बड़े सर आगे ओके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते सर बेहतरीन होना चाहिए आइए सर जैसे तो अगला सवाल रियो प्लस 20 इज शॉर्ट नेम फॉर जो रियो प्लस 20 है एनडीए में तो हमने इसके बारे में कभी डिस्कस किया नहीं था और सीडीएस के बारे में डिस्कस इसमें करने वाले हैं तो क्या होता है रियो प्लस 20 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थ समिट क्या ये इसका बच्चे ना, ये जनरली बच्चे क्लास 10th में पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी में रहता है रियो समिट के बारे में लेकिन रियो प्लस 20 ये थोड़ा सा मतलब रियो जब हुआ तो उसके 20 साल के बाद सर भाई है बिल्कुल रियो प्लस 10 जोहानिसबर्ग रियो प्लस 20 जो था उसके बारे में बताया क्या इसका आंसर होगा बी 131 लोगों ने सही आंसर दिया है और इनको भी जोड़े तो लगभग 50-50% का रेशियो है तुक्के में दिया सही आंसर दिया क्या हुआ था बेटा 1992 में एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कई सारी सबमिट्स की गई थी उनमें से एक अर्थ सबमिट की गई थी रियो के अंदर ब्राजील में और वहां पर उसके बाद हर 10 साल हर 20 साल में उसी के ऊपर काम किया जाता था ये जो थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हम कुछ इस प्रकार से डेवलपमेंट करें कुछ इस प्रकार से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करें कि इन फ्यूचर आगे वाली जो जनरेशन है ना उसको भी खाने को मिल जाए ठीक है तो वो बोलते हैं ना साही इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए मतलब आगे वाले का भी पेट भरता रहे और मैं भी भूखा ना रहूं तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसके अंदर आता है बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया मजेदार एक्सप्लेनेशन भाई मजा आ गया बहुत बढ़िया आगे बढ़े सर देखिए आगे लीडर बोर्ड देखिए सर मेरे ख्याल से चेंज नहीं हुआ होगा कि सबने सर क्या था कि तुक्का बहुत सारे लोगों का हो सकता तो बदलेगा तो सही जहां तक एकदम सर बहुत अच्छा लीड बना चुके बहुत वंशिका ऊपर है 200 पॉइंट ऊपर 5864 पे रिलिप्सा लौट के आए हैं राजवर्धन भी सर नए चेहरे शायद शाकिब नीचे से ऊपर गए हैं जय भैया सोम शुक्ला जय भैया जय दाहिया शीतल सनी यादव ये दोनों एकदम लगे हुए एक साथ बढ़िया एक नंबर शीतल सनी यादव ऐसा तो नहीं है कि आदमी सवाल खेल रहा है एक आदमी आंसर देख रहा है ऐसा नहीं करना है ये गलत बात है ओके तो अगला क्वेश्चन उससे पहले आसिम सर की एक शायरी फॉर द मोटिवेशन चैट डिस्कनेक्टेड सर क्यों बोल एक बार सर बुला हाँ जी आवाज आ रही है सर एक बार देखना सर चैट डिस्कनेक्टेड हेलो चैट डिस्कनेक्ट आ रहा है ये अभी कैसे चलेगा लाइव चल रहा होगा ना कर दो पास चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है उसका आंसर अगला क्वेश्चन नंबर 7th लेट्स बिल्कुल सर ये आपका हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया भाई सीवीसी भारत का कौन अपॉइंट हुआ है रिसेंटली कौन हुआ है अपॉइंट सुरेश पाटिल दुर्गेश सक्सेना या सी आनंद मिश्रा कौन है जो रिसेंटली भारत का सिर्फ सीवीसी यानी केंद्रीय सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुआ है विजिलेंस कमिश्नर आपको पता है सर जो होते हैं जितना भी करप्शन का मामला होता है वो सारा मामला इनके पास जाता है लेकिन बड़ी बात यह है कि जो बॉडी है ये खुद कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है इसके पास कोई मामला आएगा सीवीसी के पास तो ये अपना मामला जो आया उसको नोट करेगा संज्ञान लेगा उसका और उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को दे देगा या फिर जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर होते हैं उनको दे देता है खुद कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है और दूसरी बात ये कोई भी सर ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है यानी संविधान के अंदर आपको इसका वर्णन नहीं मिलने वाला है ना ये आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एक कानून के द्वारा स्थापित करी गई ये एक संस्थान है एक बॉडी है तो 145 लोगों ने सही जवाब दिया है इसका ठीक है सर मतलब सही लोग गलत वालों का 120 है ठीक है मोर देन 50% इज आंसरिंग करेक्ट चलिए बहुत बढ़िया आप सर करते हैं बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं सर लीडर बोर्ड देखते हैं पहले मुझे लगता नहीं ज़्यादा चेंज होगा कोई चेंज वंशिका का लगता है आंसर गलत हो गया है वंशिका का आंसर गलत हो गया है यहीं पर
ओहो श्रेयासी ने टॉप किया है यहाँ पर, वंशिका थर्ड फोर्थ पर आए हैं, वंशिका क्या बात है बेटा, पीडब्ल्यू के हीरो, अरे वाह एकदम रेल के इंजन के साथ आए हैं वेंचर अमीशा, और बाकी तो सेम है, और जो टॉप जिसने किया है वहां पे बदलाव है, फास्टेस्ट रहे पीडब्ल्यू के हीरो, ऐसे ही फास्टेस्ट रहना बेटा और ऐसे आपको फर्दर टॉप पर आना है। चलिए सर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट कवर का सवाल है सर अगला। हाँ सर चलिए, आइसोहेलाइंस आर लाइन जॉइनिंग इक्वल, आइसोहेलाइन होती है वो क्या इक्वल टेम्परेचर इक्वल प्रेशर या फिर इक्वल सेलेनिटी को ज्वाइन कर, आइसो बार होता, आइसो बार होता तो है हो जाता आइसो थम होता टेम्परेचर हो जाता, आइसो क्लाइन होता, आइसो क्लाइन हो जाता तो हाइट हो जाता, हाइट हो जाता हेलाइन से, आइसो हेलाइन से आइसो हाइट होता तो रेनफॉल हो जाता, आई आई एन नहीं लग रहा, आई एन आई, अरे सर यही मैंने क्लास में बताया था, LIN मिल रहा है ऐसा कुछ है क्या, लेट्स सी क्या इन्होंने मिलाया नहीं मिलाया, अरे अरे गजब बहुत शानदार बहुत शानदार, इस बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस टाइप की मैंने कम से कम आपको 20 लाइंस बताई थी जो एक जैसी चीजों को ज्वाइन करती है उनको हम क्या कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर। सर लीडर बोर्ड देखते हैं, मतलब ज्यादातर बच्चों ने सही जवाब दिया है, ठीक है ऑल राइट, देखिए भाई देखते हैं, ठीक है जी ओके तो श्रेयासी का सवाल का शीतल और ऊपर चले गए सर, शीतल देख रहे हैं सर, सर वही बात है ना उन्होंने फास्टेस्ट आंसर दिया इसलिए उन्होंने टॉप कर लिया, क्योंकि करेक्ट आंसर तो इन्होंने खेल रहे ना, हाँ ये दो लोग एक साथ खेल रहे, सर उस स्कैम ओपी तो नहीं कर रहे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी एक और तीसरा नाम है गुदान, शीतल सनी गुदान, तो तीन लोग एक साथ खेल रहे हो सकता है, वेंचर याशिका एक नया नाम है, विजय द ग्रेटेस्ट द न्यू नेम, विजय द ग्रेट ठीक है बेटा, अभी लोग खेल रहे हैं और जो रहे हैं ऊपर जा भी रहे हैं, हां एकदम जीत के रहना है हमें, जीत के रहना है, ठीक है भाई आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन भाई जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है वो यहां पर ज्वाइन कर सकता है और हमारे साथ जुड़ सकता है, 7173-8204 ये है कोड, मेंटी को ज्वाइन कर लीजिए और आप अब जीत सकते हैं यहां पर कितना 10 करोड़ रुपए, ठीक है तो देखते हैं आखिरी में जो टॉप करेगा ठीक है वो जीत सकता है 10 करोड़ रुपए, चलिए फिर हम बताएंगे उनको क्या करना, ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन सर आपका, ओके सवाल क्या कह रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ DRDO, ए जी सतीश रेड्डी, बी समीर कामत, सी विक्रम दोरास्वामी, भाई देखो DRDO संस्थान है जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ठीक है वो आपका डिफेंस की फील्ड की एग्जामिनेशन है, ये वो बॉडी है जो रिसर्च करती है डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाती है DRDO, तो अभी रिसेंटली कौन इसका चेयरमैन अपॉइंट हुआ है रिसेंटली, हाँ भाई कौन यहाँ पर अपॉइंट हुआ, यस प्लीज कौन अपॉइंट हुआ, यस प्लीज बताइए, जी सतीश रेड्डी, समीर कामत, विक्रम दोरास्वामी, सर यहाँ पर गलत जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया है क्योंकि अभी अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, रिसेंटली ठीक है पता नहीं चला, तो यहाँ पर जो बच्चों ने किया है वो गलत जवाब दे दिया है, आज आपको बता दिया गया है आगे से लेट्स सी दी वोट, देख लीजिए वोट देखता हूँ सर, लीडर वोट की बात करें तो श्रेयासी थर्ड पर आ चुके हैं, पीतल सनी गुधान टॉप पर है, राजवर्धन सर सेवेंथ से स्टार्ट किया था अब सेकंड पे आ चुके हैं, कोई नया नाम तो है नहीं सर, बाकी सारे लोग हमारे सेम, आइंस्टाइन एक नया नाम लग रहा है, ठीक है सर, अभी ना रिसेंटली की बात है ये, अगर जो लोग अभी करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे इससे पहले यही थे जी सतीश रेड्डी, नाउ ही इज द एडवाइजर, बट अभी रिसेंटली 26 अगस्त 2022 की बात है जब समीर कामत जी को DRDO का नया चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है तो अभी बहुत ही रिसेंट बात है, ठीक है तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है वो है बी था, चलिए सर तो आगे बढ़ते हैं, मूविंग हेड अगला क्वेश्चन आपका 10वां सवाल, आधा पढ़ाओ पूरा हो जाएगा सर इस मेंटी का, हाँ सर ओके सर आधा घंटा लेट है, हाँ सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड सरफेस हैज द हाईएस्ट एल्बिडो, एल्बिडो मतलब पावर ऑफ रिफ्लेक्शन, तो किसकी पावर ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है, स्नो कवर्ड माउंटेन की, बैरन रॉकी पिडमाउंट सरफेस की या फिर सैंडी डेजर्ट, तभी मैंने आपको उसे मैंने फोटो, हाँ सर क्या था तो वो होटल पे मैं रुका था, हाँ। याद हो आपको दिखाया हाँ। था कि उसका चमक रहा है, वो क्या चमक रहा था, वही है वही है, मतलब जो आंसर आपको मिल ही चुका है सर की तरफ से, लेट्स सी एंड द करेक्ट आंसर इज
लगभग गलत आंसर दिया आप लोगों ने, सुना नहीं था आपने जब बोल रहे थे कि वो वहां पर बैठे थे, वहां पर आपको कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। और क्या चमकेगा सबसे ज्यादा? स्नो चमकेगा, पावर ऑफ रिफ्लेक्शन स्नो की सबसे ज्यादा, इवन 90% जितनी भी सनरेस उसके पास आती है उसका 90% वो रिफ्लेक्ट कर देता है। उसके बाद आता है सेंड, और आप लोगों ने सेंड में और इधर में टिक लगाया, जबकि सबसे ज्यादा स्नो का एल्बिडो होता है रिफ्लेक्टिव। क्या तुक्था लगाने का, 83 लोगों ने इसको भी लगा दिया। क्या था कि जल्दी जल्दी में जहाँ पिट माउंट प्लेट्यू, क्या होता है सर कि जो माउंटेन होती है उस माउंटेन के फुटहिल पे अगर कोई सा प्लेट्यू बन जाए तो पिट माउंट प्लेट्यू होता। पर ये आपने क्या सोच के लगाया ये मुझे नहीं पता भाई। ऐसे मत करो यार, पता है मैं गया था अभी घूमने तोश, ठीक है? तो सर वहाँ मैं होटल के रूम में था, तो सामने बर्फ के पहाड़ थे, रात के 9:30 बज रहे थे, पूरा अंधेरा, गुपा गुप अंधेरा एकदम, ना बंदा ना कोई बंदा ना बंदी, ना बंदे की जात कोई नहीं था, लेकिन बर्फ सर चमक रहा था अलग पास से ही, मतलब वही लेकिन बहुत बर्फ चमक रही थी, ऐसा लग रहा था कि दिन का टाइम हो, ऐसा बर्फ का रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। तो एल्बिडो सबसे ज्यादा जो है वो बर्फ का ही, बहुत बहुत सर, मतलब आंसर कई लोगों के गलत होने वाले हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे लोगों का आंसर गलत होगा। बाकी शीतल एंड शीतल ही गलत हो गया, राजवर्धन गए, श्रेयासी जो थी गायब, आइंस्टीन ऊपर आ रहे क्योंकि फास्टेस्ट है, चित्रांश मंडल, गोजो, केके गोजो, दो नए नाम है, बाकी इनका गलत हुआ था, पर पॉइंट्स पुराने ज्यादा अच्छे थे इसलिए बने हुए हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। ऐसा इंडिया पहला मैच जीत गया, दूसरा जीत गया, तो साउथ अफ्रीका से हार गया, तो फिर बना हुआ है, स्ट्रेटेजी के थ्रू आंसर है। चलिए ये आंसर कैसे दे रहे हैं, ये आंसर दे ऐसे रहे हैं कि आपको जाना है www.menti.com पे। कहाँ जाना है? menti.com पे, और ये कोड लिखा है 7173-8204, इस कोड को डालिए फिर वहां पर आप पहुंचेंगे और फिर आप आंसर कर पाएंगे सारे क्वेश्चनों के, ठीक है ना? ठीक है, बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला सवाल। All right, अगला सवाल on your computer screen now. Current affairs का क्वेश्चन है। हाँ, first India's first indigenous aircraft carrier INS Vikrant has been manufactured by। अब यार देखो इसी बात पे सवाल भी है और बैच का प्रमोशन भी करेंगे, बैच का प्रमोशन भी करेंगे। इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट जो INS विक्रांत है वो किसने डिजाइन किया है, किसने मैन्युफैक्चर किया है? ए मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, बी गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, या सी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। हाँ जी, हाँ जी, बता दिए चला किसने किया है, किसने किया है? 5 सेकेंड शेष बचे हैं, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड। सर 172 लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया बेटा। अगर आपने 172 लोगों ने सही जवाब दिया इसका मतलब आप लोग CDS के बैच के बारे में जान रहे होंगे जो अभी हमने लॉन्च किया है, विक्रांत बैच 31st October से आ चुका है। लेक्चर धीरे धीरे जा, एक्चुअल में हम दोनों के ही नहीं आए अभी उसको लेक्चर, बाकी सभी लोगों के लेक्चर आ चुके हैं, कल हमारे लेक्चर भी आने वाले हैं, तो वही है विक्रांत बैच बेटा। और बस बस INS विक्रांत की बात करेंगे तो हमारा अभी तक का जो सोल इकलौता हमारे पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वो था विक्रमादित्य, लेकिन ये रशिया के द्वारा बनाया गया था, हमारा खुद का बनाया हुआ नहीं था, ठीक है? अभी इंडिया ने 2 सितंबर को अपना पहला इंडिजिनसली बना हुआ, भारत के अंदर बना हुआ INS ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को यहाँ पर लॉन्च किया, कमीशन किया है, ठीक है? तो ये है इसका खासियत, क्या है इसकी? सर बहुत ही एक ये टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है, इसको बोलते हैं स्टोबार टेक्नोलॉजी, शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, मतलब छोटे से रन ऑफ में ही टेक ऑफ कर सकता है, और जब ये लैंड करता है उस शिप के ऊपर, शिप तो बहुत बड़ी होती नहीं है लेकिन उसको रोकना होता है, तो वो वहाँ पर तार लगे होते हैं, जब लैंड होके ऐसे आता है तो फंदा होता है, उस तारे फंस जाता है, तो वो ऐसे आगे जाता है तो उसकी स्पीड स्लो कर देता है। सर आप मतलब आप जैसे ऐसे खड़े ना अभी, ऐसे सर ऐसे खड़े हैं मान लो, ठीक है? अब सर आगे जाना चाह रहे हैं तो मैं सर को ऐसे रोक लूँ, नहीं सर मत जाओ, ठीक है? तो प्लेन भी आगे जा रहा है लेकिन मैं खींच लिया जाता है, प्लेन परिंदा उड़ना चाह रहा है लेकिन परिंदा को रोका यार, ठीक है सर? पीटर बोर्ड देखते यहाँ पर सभी लोगों ने सही जवाब दिया, लगभग सभी लोगों ने सही जवाब दिया क्योंकि विक्रांत बेच है फास्टेस्ट, आइंस्टीन का फास्टेस्ट सर, हाँ कभी थे नहीं यहाँ पर, नीचे से आए एकदम टॉप 3 में बेटा, टॉप करना आपको। अमित राजपूत सर यहाँ पर तगड़ा खेल रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया खेल रहे हैं अमित राजपूत भी सर, एक नया नाम आया है ये भी, मतलब लेट ज्वाइन करने के बाद भी ये ऊपर उठ का है, इसका मतलब ये बेटा अगर आप अभी भी मेंटी को ज्वाइन करोगे तो आप टॉप कर सकते हो, ठीक है सर?
बढ़ते आगे सर, आपका सवाल है। हाँ जी सर, विच इज द माउंटेन बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। ब्लैक सी और कैस्पियन सी मतलब एशिया और यूरोप के बॉर्डर की बात हो रही है, वहां पर इन दोनों के बीच में कौन सी माउंटेन आती, अरल, कॉकेसस या फिर अल्प्स? कौन सा माउंटेन रेंज है, कौन सी पहाड़ियों की रेंजेस हैं यहाँ पर मिलती हैं आपको इन दो समुद्र के सी के बीच में, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में? यस प्लीज, यूरल सी, कॉकेसस सी, कॉकेसस या फिर अल्प्स, बताइए कहाँ पर है, कहाँ पर मिलेगी, कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं सर? बी विल बिकम द करेक्ट आंसर, बट अगर एड करेंगे तो ज्यादा लोगों ने गलत आंसर दिया। क्यों गलत आंसर दिया? क्योंकि वहां पर एक पॉइंट में बता गया था आप लोगों को कि यूरोप और एशिया की बाउंड्री, आप लोग अरल पर चले गए आधे उधर, यही समझते हो। अरल रिवर, अरल माउंटेन सेपरेट करता सर यूरोप को और एशिया को, बट वो इन दोनों के बीच में नहीं है। कॉकेसस माउंटेन जो है अर्मेनियन नोट के वेस्टर्न साइड में, जहाँ अजरबैजान वाला रीजन है, वो दोनों समंदरों के बीच में आता है, एक ब्लैक सी और दूसरा कैस्पियन, और दोनों के दोनों ही सी लैंडलॉक्ड है। ऐसे मैंने ये इनको सरकारी एग्जाम पर बताया था, अभी रिसेंटली मैंने वहाँ पर अजरबैजान और आपका आर्मेनिया का जो डिस्प्यूट चल रहा था उसको लेकर ही मैंने वीडियोस बनाए थे कि कैसे वहाँ पर जो नागोरा कारबाख रीजन है उस रीजन में क्या डिस्प्यूट चल रहा है, कौन वहाँ माइनॉरिटी में रहता है, कौन मेजॉरिटी में रहता है, तो वो मैं पूरा एरिया समझाया था। कॉकेसस माउंटेंस का भी बताया था कि भाई साउथ कॉकेसस माउंटेंस जो है वो यहाँ पर इसी एरिया से निकलते हैं। तो अगर आप देखो, पढ़ाई करने का तरीका यही होगा CDS के अंदर कि हो सकता हो कि ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन अगर अजरबैजान अर्मेनिया न्यूज़ में है तो क्योंकि उसकी ज्योग्राफी में कॉकेसस माउंटेंस आते हैं, कॉकेसस माउंटेंस, तो हो सकता हो कॉकेसस माउंटेंस की ज्योग्राफी पूछ ले वो, तो आपको लगेगा यार ये सवाल कुछ ही पूछ लिया। नहीं, वो सवाल इसलिए पूछा उसने उसके ऊपर जो करंट अफेयर्स में था वो, तो उसका ज्योग्राफी पूछ लिया गया, उसका स्टैटिक पूछ लिया गया। ये CDS का UPSC के पूछने का तरीका रहता है, हमेशा से फितरत रही है UPSC की, चीजें वही पूछता, वो हिस्ट्री हो, वो पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, वहीं से पूछेगा अगर वो करंट अफेयर से रिलेट कर रही है तो। फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन सी चीज होती है साइक्लोन्स, हर साल आते प्री मॉनसून साइक्लोन, पोस्ट मॉनसून साइक्लोन, और दोनों ही साइक्लोन आपको नए नए नाम आपको करंट अफेयर के अंदर देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उस एरिया के अंदर है और उससे रिलेटेड फिर ज्योग्राफी पूछ ली जाएगी, लो प्रेशर पे बनते हैं, हाई प्रेशर पे बनते हैं। तो बहुत सारे गलत जवाब यहाँ पर आ रहे हैं। नंबर टू पर आइंस्टीन आ गए, नंबर टू पे नंबर वन शीतल यादव 10,382 और यहाँ सर 9,851। सर ये 200 और 300 500 पॉइंट का 500 पॉइंट का अंतर है, और वो कर लेंगे जिस हिसाब से फास्टेस्ट आंसर दे रहे हैं। हमारे जो है 150 पॉइंट है, 200 पॉइंट नीचे, PW के हीरो नीचे से एकदम ऊपर गए थे, वंशिका एकदम ऊपर से नीचे आए हैं, वंशिका फिर से दिख गई है, हाँ फिर से आ गए, श्रेयासी दोनों गायब हो गए, फिर से लौट करके आए ये दोनों। चलिए सर आगे, ठीक है सर अगले क्वेश्चन की, मेरा एक बच्चे और ज्यादा जुड़ भी चुके, आ जाओ बोनेदार। हाँ भाई, स्पार्क हैज बीन लॉन्च्ड बाय, स्पार्क लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया है कि इसरो ने किया है कि इंडियन आर्मी ने किया है? किसने ये लॉन्च किया है, स्पार्क को लॉन्च किसने किया? हाँ भाई, स्पार्क को किसने लॉन्च किया है? यस प्लीज, स्पार्क, ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बी इसरो, सी इंडियन आर्मी। स्पार्क जो है ना, लगता है सुनने में यूपीएससी पे सोचेगा, मतलब बच्चे क्या सोचेंगे स्पार्क, तो क्या हो सकता है बच्चों के अंदर स्पार्क जगाना, हो सकता है एजुकेशन मिनिस्ट्री का हो, इंडियन आर्मी मतलब ऐसे हथियार लेना जो बस स्पार्क करे, एकदम चिंगारी, एकदम धुआंधार, इंडियन आर्मी, तो लोगों को लग सकता है, लेकिन सही जवाब दिया सर, बच्चों ने बहुत बढ़िया, जो सर ने पढ़ाया एकदम 158 बच्चों ने करेक्ट आंसर उसका दिया है, इसके नाम पर सर एक छोटी सी शायरी हो रही है सर, छोटी सी, अरे मोबाइल खोल लेता हूँ सर, अरे हाँ हाँ जी सर, जो आपको लगे आप मोबाइल ओपन कीजिए, अब मोबाइल खोलना पड़ेगा सर ने जो, सर अगला जो मेरा आएगा उसके लिए मोटिवेट कर दी, इस तरह का करेक्शन मिल जाए, ठीक है। चलो सर, अभी अर्ज किया है, अर्ज किया है भाई, सुन रहे हो सर, अभी सब लोग समझ पाएंगे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। दुश्मनों को ये खल रहा है, ठीक है सर, दुश्मनों को ये खल रहा है कि तूफानों में सूरज का दिया क्यों जल रहा है। दुश्मनों को ये खल रहा है कि तूफानों में भी हमारा दिया कैसे जल रहा है, ठीक है सर, तो समझ गए होंगे लोग, बिल्कुल सर, पॉइंट इतनी तो काफी होता है, अगले क्वेश्चन में आपको इसका अंतर देखने को मिल जाएगा। शायरी की बात सर, राहुल सर का सॉन्ग, हाँ सर,
सर सॉन्ग नहीं सॉन्ग नो 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 सर अरे एक अगला अगला सर नहीं सर एक सॉन्ग सर गाएंगे सर एक एक गाना नहीं सर मैंने सर इधर से आइए कल हम अंताक्षरी खेल रहे थे सभी लोग और उसमें आसिम सर ने जो परफॉर्मेंस दी थी एक भी गाना नहीं गाया था सर कह रहे हैं इतने में सोच लूंगा मैं चलो ठीक है सोच लूंगा मैं जब तक आगे अगले क्वेश्चन आज बिना सर से गाना गवाया जाना नहीं तुम ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं सर लीडर बोर्ड देखते हैं कहां जा रहा है लीडर बोर्ड सर ये देखते हैं सर शीतल एंड सनी यादव गुदान आइंस्टीन का गलत जवाब हो गया सर ये इस बार तो मेरे ख्याल से आइंस्टीन भाई बहुत नीचे ले गए हैं इस बार देखिए सर नंबर टू से सर ऐसा होता ना 99 पे हो सांप काट ले सर ये वही वाली बात हो गई है तो ये नीचे आ गए एकदम शीतल एंड सनी ने बना ली लीड बहुत तगड़ी 1000 पॉइंट से ऊपर की राजवर्धन जो है वो नंबर टू पे आ गए अमित राजपूत नंबर तीन बहुत नीचे थे फिर से वंशिका और श्रेयसी गायब श्रेयसी तो है सर देव शाकिब फास्टेस्ट जवाब दिए हैं इसलिए वापस आ गए एक साथ एक पॉइंट के साथ जवाब दिए हैं ये जस्ट बिकॉज ऑफ योर शायरी सर बहुत बड़े आप देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है 14th क्वेश्चन लगभग 60-65% कवर कर चुके हम अ नैरो क्रिक ऑफ लैंड That connect two larger landmass. उसे क्या कहते हैं A narrow creek of land, not a water. A narrow creek of land which connect two larger landmass. उसे हम क्या कहते हैं Isthmus, Peninsula या फिर cap? क्या cap सर सर वो जो किसी भी continent का सबसे निचला हिस्सा होता है ना उसको cap बोलते हैं चार पेज होते हैं Peninsula सर three sided water. 4, 3, 2 करेक्ट आंसर इज इस्थमस बाकी गलत आंसर भी बहुत ज्यादा था अगर सर मैं इसमें स्ट्रेट रख देता ना तो बाकी तो हाहाकार मच जाती है ऊपर निकल जाती है बेटा इस्थमस क्या होता है इस्थमस एक ऐसा नेरो लैंडमास होता है जो दो बड़े बड़े लार्ज लैंडमास को कनेक्ट करे हिंदी में इसको बोलते जल डमरू डमरू जानते हो ना आप जिसको बीच में से जो पतला सा होता है सर दोनों तरफ से मोटा होता है तो जो बीच में से जो पतला भाग होता है वो लैंडमास दो बड़े बड़े लैंडमास को कनेक्ट करता है दैट इज द इस्थमस और जलडमरू लेट्स सी सर अगला क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत जवाब दिया है बहुत सारे लोगों ने लग रहा है कि मामला गड़बड़ाएगा लेकिन शीतल और सनी यादव एकदम चल रहे हैं अमित राजपूत गए सर अमित राजपूत का गलत है थोड़ा सा ऊपर गए हैं आइंस्टीन फिर से फास्टर आइंस्टीन फिर से आइंस्टीन सर मान नहीं रहा आइंस्टीन कह रहा है जीत के रहूंगा जीतना है ही सर बिल्कुल के नीचे से ऊपर की तरफ आए हैं और उसके बाद अमित राज तो 247 लोग खेल रहे हो सिर्फ 10 ही आ रहे हैं यहाँ पे नाम बदलो बदलाव लेके अगला क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन नाउ हाँ जी सवाल क्या है इंडियाज लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन इज नेम्ड एज भारत की सबसे लंबी फ्रेट ट्रेन जिसको हिंदी में मालगाड़ी कहते हैं वो उसका नाम क्या है खनिज कैरियर बी सुपर वासुकी सी रफ्तार एक्सप्रेस क्या बोला गया है हाँ भाई भारत की सबसे लंबी फ्रेट ट्रेन रिसेंटली अभी इसका ट्रायल रन हुआ उस ट्रेन का नाम क्या है खनिज कैरियर बी सुपर वासुकी सी रफ्तार एक्सप्रेस क्या कहते हो सर आपको क्या लग रहा है खनिज कैरियर खनिज कैरियर लग रहा है राहुल सर को क्या आप लोग राहुल सर के साथ जाना चाहेंगे क्या आप लोग खनिज सर बच्चे तो भी कह रहे हैं सर सही बोल रहे होंगे मुझे मतलब कोई हलचल नहीं है लीडर बोर्ड पे जैसा था वैसे ही होगा हाँ लीडर बोर्ड में कोई चेंज नहीं आएगा लीडर बोर्ड वाला एक बढ़िया नया बच्चा चित्रांश मंडल एक बना हुआ है साकिब क्रिकेट छोड़ के फुटबॉल के साथ आ चुके हो बने हुए लेकिन शिवा शर्मा एनडीए वाला बिल्कुल एक आंखों में दिल वाला इमोजी लेकर के आप आए हो चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं उल्वा सवाल ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन नाउ अर्थक्वेक वेव रिकॉर्डेड बाय अर्थक्वेक की जो वेव होती है किससे रिकॉर्डेड होती है बेरोग्राफ
हाइड्रोग्राफ या फिर सिस्मोग्राफ? भाई देखो बहुत सिंपल है यार, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है क्योंकि बाकी सारे बहुत ज्यादा टफ थे। हाइड्रो सर, तो हाइड्रो पानी हो गया, पानी हो गया। बार बार बैरोमीटर, नॉट दैट बार, बैरोग्राफ, बैरो बैरो बैरोग्राफ, बैरोग्राफ, बैरोग्राफ। तो और सिस्मो लग रहा है, कुछ लग तो रहा सिस्मिक टाइप। लेट्स सी, लगभग सभी लोगों ने सही जवाब। अरे भाई साहब रिकॉर्ड तोड़, मतलब जो गलत किए वो गलत क्यों किए, ये क्या मतलब, एकदम क्या हो गए, हो गए नालायक हो गए सर, क्या है सर ये, पता नहीं क्या है मतलब। जब अर्थक्वेक को पढ़ रहे हैं हम तो हाइड्रोग्राफ क्यों कर रहे हैं, बेरोग्राफ क्यों कर रहे हो जब सबको पता उससे प्रेशर नापते। बेरोमीटर को जानते हो क्या होता है, कभी पेट्रोल पंप में, उस पे पेट्रोल पंप के पास आपने हवा डलाई है, पेट्रोल डलाने के बाद जब आगे जाते हैं कि भैया हवा भी चेक कर दो, तीन को बैठना थोड़ी कम कर दो, तो जो प्रेशर होता है ना, जो वो मीटर उसके हाथ में, दैट इज बेरोमीटर, जो एयर का प्रेशर दिखाता है, ठीक है। और सिस्मोग्राफ तो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों का फिर से सेम होगा, लगभग सेम होगा। और जब आप लोगों ने कम दिया है तो फास्टेस्ट की कहानी है सही, तो राजवर्धन ने फास्टेस्ट दिया है सर। आइंस्टीन का गायब हो गया आइंस्टीन। 358 पॉइंट सर राजवर्धन सेकंड। शीतल एंड सनी यादव गुंडान 1400 पॉइंट पर है, 14000 पर है, वो काफी ऊपर है। पार्थ अच्छी पार्थ लौट के आया है, के बाकी तो सब वैसे ही। चलिए सर 17वां सवाल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन नाउ। हाँ जी, अगला सवाल। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है? तो सर सबसे पहले तो ये जानना होगा दादा साहब फाल्के अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। ये दिया जाता है सिनेमा के फील्ड में, है ना, सिनेमा देखने जाते हो ना, है ना, सिनेमा के फील्ड में ये दिया जाता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। किसको दिया गया है 2020 का? हाँ जी, ए आशा पारेख, बी रजनीकांत, सी आशा भोसले। किसको दिया गया है? हाँ जी, किसको दिया गया है, किसको बताइए। टाइम्स अप सर 122 ने सही जवाब दिए हैं। देखो सर ये क्या है ना, ये आशा पारेख था, आशा पारेख को 2020 का दिया गया है, लोग यहाँ आशा भोसले से कंफ्यूज हो गए, तो इसलिए 58 इन्होंने यहाँ मार्क कर दिए, ये कंफ्यूजन था। जिनको लगा था रजनीकांत, तो उनको बता देता हूँ सर, उनको इसलिए गलत मार्क किया उन लोग ने, क्योंकि रजनीकांत को 2019 का दादा साहब फाल्के दिया गया, लेकिन चूंकि कोविड की वजह से वो अवार्ड उनको 2021 में मिला के, ये दिया गया था 19 में ही, भाई नाम आ गया था 19 में कि आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 दिया जाता है, लेकिन वो दिया गया 2021 में आके, तो लोगों को लगता है 21 में रजनीकांत को मिला था, है ना, और आशा पारेख को 2020 का मिला है, लेकिन वो 2022 में आके दिया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए जो है, इसीलिए देखो यहाँ पर जो है ये रखा गया, अमिताभ बच्चन को उससे एक साल पहले दिया गया था, बच्चे लिख रहे हैं यहाँ पर सर, ठीक है, तो उससे पहले दिया गया, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लीडर बोर्ड देखते हैं। 2019 रजनीकांत है, आशा पारेख 2020 है, ध्यान रखिएगा। चलिए ऋतिक यादव का तो बहुत नंबर कम हो गया, फास्टेस्ट इस बार दिया है शिवम यादव ने, शीतल भी फास्टेस्ट सर 15273 पॉइंट्स, 14535 पॉइंट। पलेंद्र कुमार नीचे की तरफ से आए हैं लौट के, शाकिब, शिवा शर्मा, चित्रांश, के एनडीए वाला बने हुए हैं, इसे कैसे, ठीक है आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन भूगोल से, द रीजन लाइन बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया होता है उसे क्या कहते हैं, द हीट सरप्लस जोन। हाँ बचपन में पढ़ते हैं चीज यार, क्या होगा इसका आंसर बताइए। जवाब दिया, कैमरे में घुस जाऊंगा, समझ लो मैं इसका। हाँ, तो गलत जवाब दिया इसका, टोरिड जोन, फोर्स लेटिट्यूड या फिर फ्रिजिड जोन, क्या इसका आंसर होगा, क्या बोलते हैं, फोर्स 23.5 से 30 साउथ तक बोला जाता है। ये मतलब अजीब ही है सर, हाँ मतलब ये तो चलो ये तो करना ही था, ये तो सही बात है, पर ये फ्रिजिड जोन बोल रहे, फ्रिजिड जोन 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री के साउथ जाएगा, फ्रिज है ना, फ्रिज ठंडा हो जाएगा यार, 23 डिग्री पे कहाँ ठंड लगने वाली है आपको, अपन कहाँ है इंडिया में, हम भी तो 23 डिग्री पर है, दिमाग खराब हो गया एकदम। सर अभी मैं चेंज करवाता हूँ, चलिए ठीक है सर। सर शीतल का गलत जवाब हो गया सर, अरे
सर्च नहीं कर पाया। शीतल गई सर नीचे। ओहो, शीतल ने सोचा सर शीतल हूं मैं, ठंडा शीत लहर, वो फ्रिज डाल दिया अपने नाम के साथ, वहीं पर सनी सनी हो गया सब कुछ, सनसनी हो गया। राजवर्धन ने एकदम राज, बहुत बढ़िया सर नाम यहाँ पर पीडब्ल्यू के हीरो फिर से आ गए यहाँ पर। लेकिन क्या है कि ये जो चेंज हुआ है ना राजवर्धन का, ये बड़ा तगड़ा चेंज है सर। चलिए 1000 पॉइंट के साथ चेंज। आखिरी सवाल करंट अफेयर्स का ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन नाउ। हाँ जी, हु हैज वन द यूएस ओपन 2022 मेन सिंगल्स? किसने यूएस ओपन 2022 मेन सिंगल्स जो होता है यूएस ओपन का, उसको किसने जीता है? ए सी अल्कराज गार्फिया, बी सी रूड, सी एस सैंडर्स। किसने जीता है, किसने जीता है? यस प्लीज बताइए। यूएस ओपन 2022। एक प्रमोशन और कर देता हूँ कि शाम को 5:30 बजे सरकारी एग्जाम चैनल पर मेंटी क्विज है मेरा प्रथमेश्वर का, तो उसमें आ जाना। वहाँ 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 पर भी आ जाना यार, ठीक है। हाँ, हु हैज वन द यूएस ओपन 2022? किसने जीता है मेन सिंगल्स? सी अल्कराज, सी रूड या सी एस सैंडर्स? यस करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। 160 लोगों ने सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। देखो यार, अभी ना लास्ट ईयर जब लास्ट टाइम एनडीए का पेपर हुआ था सर, उसमें एक सवाल आया था कि भाई फ्रेंच ओपन को जो जीता है वो राफेल नडाल ने जीता है, लेकिन किसको हराया, सवाल ये पूछा गया था, तो वहां पर कैस्पर रूड सही आंसर था, ठीक है। तो अभी पिछली बार फ्रेंच ओपन आया, उससे पहले सर नोवाक जोकोविक का पूछा गया था, तो एक लॉन टेनिस से सवाल लगभग दो बार से पूछ रहा है लगातार, इसलिए यूएस ओपन यहाँ पर यूएस ओपन आया है, इसलिए यूएस ओपन ध्यान रखिएगा। सी अल्कराज ने जीता है और हराया किसको था, फिर से कैस्पर रूड फिर हार गए हैं, सी रूड फिर हार गए, जैसे कि राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन में हराया, तो सी अल्कराज ने उनको कैस्पर रूड को हरा दिया यूएस ओपन में, ठीक है ना। चलिए सर आगे बढ़े, आखिरी सवाल है सर, आखिरी सवाल। राजवर्धन प्लस 9 लीड बना ली है, लीड बना ली, अब बहुत मुश्किल है। भी था उसका। राजवर्धन फास्टेस्ट भी है, टॉप पर है, अब ये तीन लोग भी अगर ट्राई करें तो बहुत मुश्किल है, बट मतलब अब कुछ कह नहीं सकते है, वो खेले ही ना, अब हाँ और खेले ही ना, और शीतल फास्टेस्ट सबसे बढ़िया जवाब दे, तो मेरे ख्याल से 400 पॉइंट सर मिल सकते हैं, 900 पॉइंट तो हो सकता है, अगर गलत हुआ तो भाई 900 पॉइंट के साथ शीतल पहुंच जाएंगी 17,000 पे। बट ऐसा हो नहीं सकता, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कोई तो लाज रख लेना, सभी लोगों को जीतना है, एल्गोरिथम कुछ इस टाइप से सेट करना कि रुको ही ना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 20x20 सवाल है ये, 10 करोड़ का सवाल है ये, ठीक है ना। चलो सर, 10 करोड़ का सवाल है। अफ्रीका हाईएस्ट माउंटेन पीक, माउंट किलिमंजारो, लाइस इन, बहुत सोच समझ से जवाब दीजिएगा, ध्यान से एक बार समझो, गलती मत करना। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया तो सबको पता है किलिमंजारो, पर वो कौन से देश में आता है, मालावी, केनिया या फिर तंजानिया? 10 करोड़ का सवाल है। गलती नहीं होना चाहिए, कीनिया या फिर मनावी या तंजानिया, बहुत ही सोच समझ से जवाब दिया जाए। 3, 2, and 1 द करेक्ट आंसर इज, ठीक है सर, मतलब 122 लोगों ने सही जवाब दिया है, लगभग बाकी 100 लोगों ने गलत जवाब, 100 लोगों ने गलत जवाब दिया। तो सर देखें लीडर बोर्ड जिसका सभी को इंतजार है, बहुत बेहतरीन तरीके से क्या होता है ये राजवर्धन, शीतल तो खत्म हो गई, प्लस 9-1 के साथ है ये गया टॉप, टॉप राजवर्धन, मुबारक हो भाई, वाओ क्या बात है। जो ये सवाल 10 करोड़ का था, ठीक है भाई, जहां से मिले वहां से ले लो। मैंने थोड़ी कहा था कि मैं दूंगा, मैंने कहा था 10 करोड़ का सवाल है, मैंने ये कहा था कि सिर्फ 10 करोड़ का सवाल है, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं दूंगा, ठीक है। भाई राजवर्धन बहुत-बहुत तुमको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस बेटा, मुबारक हो, आपने एकदम टॉप किया, आप बहुत बाद में आए थे, 10वें क्वेश्चन के बाद ये चेहरा दिखने लगा था और एकदम ऊपर गया। तो ऐसा जीवन में होता है बेटा कि कभी कभी बहुत सारी चीजें हम क्या समझते हैं और क्या होती है। जैसे सर मैंने एक बार बताया था सभी बच्चों को कि एक बार मैं जंगल में था, टाइगर देखने के लिए गए, 17 किलोमीटर चले सर जंगल के अंदर, नहीं दिखा, चलते गए और जब लौट के आ गए थे, बाइक के पास खड़े थे ना, एकदम एक मैग्निफिशेंट एनिमल सामने टाइगर,
तो जब हम मान लेते ना कि खत्म होने वाला शायद तभी शुरुआत होती है, वो टेंथ नंबर से आए थे, टेंथ क्वेश्चन से, और अभी भी टॉप करके सबसे आगे हैं। तो बहुत बढ़िया सर, एक शायरी। सर ये तो हो गया है, मतलब सर ने शेर को देखा, शेर ने सर को देखा, एकदम शेर और सर एकदम बराबर लग रहे थे अपने आप एक दूसरे को। है सर बहुत नहीं सर, अब बच्चे आपके सॉन्ग की डिमांड कर रहे हैं। नहीं सर सॉन्ग नहीं, मैं भी थोड़ी सी शायरी बोल दूंगा, सॉन्ग मुझे नहीं आता। कोई सा गाना सर आप ही सजेस्ट कर दो तो थोड़ा ट्राई कर लूंगा। मतलब गा रहे थे पुराने वाले, मेरे मेरे महफ़िल। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना शाया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया यार, मजा आ गया, सही है ना। अब मत कहना नहीं करेंगे गवाया, देख लो अभी, ठीक है। अब यही चीज तुम प्रथमेश सर से डिमांड करना, ठीक है। प्रथमेश सर भी जो है, होने वाली है ना, प्रथमेश सर भी जो है बहुत तगड़ा गाना गाते हैं, वो तो अलाप ले लेके गाते हैं सही। हाँ। अलाप लेते हैं वो तो पहले गाना शुरू करेंगे, ले वो तो पहले ही सब करेंगे, फिर उसके बाद जो है डांस भी करवा सकते हो, गाना भी गवा सकते हो। अरे तो सभी ने देखा, देख लिया दिवाली मेला में, डांस भी शानदार करेंगे और गाना भी गाएंगे। बहुत बढ़िया सर, वाह बहुत खूब, बच्चे एकदम खुश हो गए, ठीक है भाई। तो ये जो गाना जो है सर गाते हैं, अपने दिल से गाते हैं। अब सर किसके लिए गा, पता नहीं मुझे, ठीक है मुझे पता नहीं किसके लिए सर गा रहे हैं। चलो बेटा ठीक है सर, किसके लिए सर किसके लिए गना गना सर छाव आया क्या आया सर, ठीक है। एक सर शायरी आप भी, अरे आप सर बेहतरीन एक जहाँ ऐसी चीज आती तभी तो बच्चे आना ऐड होते हैं। चलो ठीक है, एक एक शायरी और, एक एक बार ऑफ फोन निकाल लेता हूँ, एक बार ऑफ फोन, जितना होमवर्क करके आया था उतना तो सुना दूँ, ठीक है। अब ये भी समझ में आ रहा होगा किसके लिए बोलने जा रहा हूँ, कि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है मगर लगेगा नहीं, मगर लगेगा नहीं, क्या बात है, ठीक है। शायरी तो सर की ऐसी होती है कि जो नहीं करते उनको करवा दे और जो करते उनको छुड़वा दे। और सर के गाने सर के गाने सर कहाँ, सर बता दो सर कहाँ से। नहीं 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 सर कोई ऐसा कुछ बेटा। चलो बेटा एंड करते हैं, मिलते हैं कल लेक्चर के अंदर विक्रांत में, कल पहले लेक्चर के साथ शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी के खूबसूरत सफर की, ओके। और फिर सैटरडे के दिन करंट अफेयर का आपको आने वाला है लेक्चर, ओके बेटा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मेरा भी सर एक फंक्शन था, उसके भी लोग आ गए हैं यहाँ पर, वही देखा मैंने कमेंट बॉक्स में। चलिए ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करती है, जय भारत, टाटा।